हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जुग्गू एक्स्ट्रा। और आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि एम्परर को यूज़ कैसे करते हैं। मतलब मैं नहीं सिखाने वाला हूँ, यूनिटी सिखाने वाला है कि एम्परर को सबसे इफेक्टिव वे में यूज़ कैसे करते हैं। और इसकी काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी है और कॉम्बोज भी है। और अगर तुम्हें नहीं पता कि यूनिटी कौन है तो लीडर बोर्ड खुल के एक बार चेक करो, टॉप 10 या टॉप 15 में उसका नाम कहीं ना कहीं तुम्हें मिल ही जाएगा। तो मैंने उसे टिप्स एंड ट्रिक मांगी तो उसने पूरा का पूरा ऐसे लिख के भेजा है। तो ये पूरा ऐसे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि इसमें एक्चुअल में है क्या, और इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर तुम एम्परर अभी चलाना शुरू कर रहे हो, या फिर तुम कुछ टाइम से चलाते हो मगर तुम्हें एम्परर के बारे में ऐसा कुछ ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मगर एम्परर सीख के करना क्या है यार, हम तो एम्परर ज़्यादा चलाते भी नहीं है और हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो देखो, एम्परर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एम्परर एक कमबैक कैरेक्टर है, मतलब ये अकेला बंदा अगर बचा है ना तुम्हारी टीम के अंदर, फिर भी तुम्हारी होप जिंदा रहेगी कि तुम ये फाइट को जीत सकते हो। और अगर तुम्हें एम्परर बोरिंग कैरेक्टर लगता है तो तुम्हें ये वीडियो पूरी देखने के बाद एम्परर चलाने में मजा आने लगेगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से बात करते हैं। एम्परर के दो फॉर्म है, एक नॉर्मल ह्यूमन वाला और एक दूसरा शैडो बीस्ट वाला। अब एम्परर का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ह्यूमन वाले एम्परर का, ठीक है। मगर वो जैसे ही शैडो बीस्ट में जाता है उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। डिफेंस का मतलब ये होता है हेल्थ। तो ह्यूमन फॉर्म में एम्परर की हेल्थ बहुत ज़्यादा रहेगी, मगर वो जैसे ही बीस्ट फॉर्म में जाता है उसकी हेल्थ आधी हो जाएगी। यहाँ देखो, मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ, पहले मेरी थी 6000 कुछ हेल्थ, जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुआ 3000 के पास आ चुकी है। और तुम एक बार शैडो बीफ में आ गए, तुम अपना ह्यूमन फॉर्म छोड़ दिया तुमने, तो तुम ह्यूमन नहीं बन सकते फिर। मतलब अब तुम्हारा डिफेंस पूरे गेम भरे के लिए आधा हो चुका है, तो तुमने अपना आधा डिफेंस सैक्रिफाइस किया है शैडो बीफ बनने के लिए। तो शैडो बीफ तभी बनना है जब एकदम जरूरी है। अगर तुम एम्परर से ही जीत पा रहे हो तो शैडो बीफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। और ऑल दो शैडो बीफ एम्परर का ही एक फॉर्म है, मगर शैडो बीफ और एम्परर एकदम अलग अलग है। तो अगर तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म के ही अटैक कनेक्ट हो रहे थे तो तुम्हारे यहाँ अटैक के मूव सेट ही बदल जाएंगे, तो फिर तुम्हें हो सकता है दिक्कत आ जाए। और यही सही है कि अगर तुम्हारा एम्परर से ही तुम जीत पा रहे हो ह्यूमन फॉर्म से, तो शैडो बीफ में कभी नहीं आना है। अब देखो, एम्परर की हेल्थ बहुत ज़्यादा है, उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, तो तुम एम्परर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल सकते हो। और तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अपोनेंट को कॉर्नर में लाना है और वहाँ पे तुम्हें बीफ्ट बन जाना है। जैसे तुम याला गेम प्ले देखो, ठीक है, इसमें अभी मेरा साइड बार फुल नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, मगर जब भी अपोनेंट कॉर्नर में हो ना तो उसे कॉर्नर में ही ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बीफ्ट बन जाओ। तो उससे ये होगा कि उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा और पहली बात तो पैनिक कर जाएगा। अपोनेंट पैनिक करेगा तो तुम वैसे ही तुम्हारे और अटैक उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। अब जल्दी से यहाँ पे अपोनेंट की हेल्थ पे नज़र डालो, ठीक है। ये मैंने पास में आया, उसको ग्रैब किया, अब मैं यहाँ पे बीफ्ट बन गया। ऑल दो यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म के भी हम यहाँ अटैक कनेक्ट कर सकते थे, मगर मैं बीफ्ट बना और वो पूरा ख़त्म हो गया। आफ्टर लाइफ में आ गया किंग ऑफ द लीजन। तो एम्परर के ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा खासा डैमेज पड़ता है, तो जब भी तुम अपोनेंट को डैमेज दे पाओ खासकर कॉर्नर में तो वहाँ पे भी तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। और अगर एम्परर का एक्सप्लोजन अपोनेंट पे कनेक्ट होता है तो एक और चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हारा अगला शैडो मूव है ना वो भी कनेक्ट होने वाला है। तो एक तो तुम एक्सप्लोजन से डैमेज दोगे, उसके बाद जैसे ही तुम शैडो फॉर्म में आओगे ना, शैडो बीफ बनोगे, तो तुम्हारा एक शैडो उस पर लगना ही लगना वाली बात आ जाएगी। तो तुम्हारी हेल्थ भी थोड़ी बहुत गेन हो जाएगी और अपोनेंट की हेल्थ बहुत सारी चली जाएगी। और सही टाइम पे शैडो बीफ बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तुम बीफ में ट्रांसफॉर्म होते हो तो तुम एक सेकेंड के लिए तुम्हारा डिफेंस ऑफ रहता है। भले वो टाइम बहुत कम होता है मगर वो इनफ टाइम है कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें ईजिली पनिश कर पाए, स्पेशली अगर तुम टैलेंट लेके नहीं आए वो एक्सप्लोजन वाला। तो तुम यहाँ देखो, मेरे एम्परर के अटैक कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे अपोनेंट पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे डेस्परेशन में आके मैं बीफ्ट बन गया। वो पास में आया, उसने ग्रैब कर लिया और मुझे अच्छा खासा डैमेज दे दिया। मानो ना मानो, एम्परर से तुम जब भी शैडो बीफ्ट में कन्वर्ट होते हो तो वही टाइम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है गेम का रिजल्ट पता करने के लिए। अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ है ना, अपोनेंट को तुमने डैमेज दिया है उसके साथ साथ, तो तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि तुम वो गेम जीतने वाले हो। मगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन बेकार हुआ है तो बहुत कम चांस है कि तुम गेम जीतने वाले हो। कई बार क्या होता है, अपोनेंट तुम्हें ट्रांसफॉर्म ही नहीं होने देता है, या तो वो एंटी शैडो हीरो लेके आता है, या फिर तुम जब भी शैडो बीफ्ट बनने का ट्राई करते हो तुम्हें बार बार इंटरप्ट कर देता है। तो एम्परर से हम जितने भी गेम लूज करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हमें प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिल पाता। तो तुम्हारे अपोनेंट में अगर एंटी शैडो हीरो आते हैं, जैसे केट आ गई या आजुमा आ गया या फिर लिंक्स आ गया या फिर लिंक भी आ गया उसके एपिक वेपन के साथ, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुम जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी शैडो बीफ्ट में आ जाओ, अगर तुम सेफली आ सकते हो तो। और अगर तुम्हारा अपोनेंट हेलगा है तो तुम्हें शैडो बीफ्ट में नहीं आना है, क्योंकि तुम जैसे ही शैडो बीफ्ट बनोगे हेलगा का ऑरा एक्टिवेट हो जाएगा,
और वो ऑरा तुम्हें ऐसे ही डैमेज देगा, हेल्गा कुछ करेगी भी नहीं ना, खड़ी रहेगी, तब भी तुम्हारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे अपोनेंट में हेल्गा आती है तो तुम्हें एम्परर की ह्यूमन फॉर्म से ही जीतना है। बीफ में अगर तुम आए तो तुम वैसे ही मर जाओगे। मगर जब हेल्गा की आफ्टर लाइफ आती है और वो कॉर्नर में रहती है और वो खत्म हो जाती है उसकी आफ्टर लाइफ, ठीक है, ये फील्ड ऑफ लाइट उसकी खत्म हो जाती है, तब तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो अगर तुम्हें गारंटीड लग रहा है कि तुम्हारे एक्सप्लोजन से हेल्गा मर जाएगी तो। मगर एक चीज याद रखना, हेल्गा बहुत ज्यादा डेडली है शैडो बीस्ट के अगेंस्ट, तो इवन उसकी हेल्थ अगर 200-300 भी है ना और तुम शैडो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तब भी हेल्गा तुम्हें इजीली मार सकती है। तो अब अगली चीज है एम्परर के एपिक वेपन के बारे में। तो अगर तुमने एम्परर का एपिक वेपन लिया हुआ है तो तुम एम्परर की हेल्थ देखोगे तो वहां पर तुम्हें दो ऐसे बैरियर टाइप के दिखेंगे। तो इससे होता यह है कि एम्परर की हेल्थ जब भी ये बैरियर के पास आती है और इस टाइम पे एम्परर को कोई भी डैमेज पड़ता है तो पूरा का पूरा डैमेज वेपन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो डैमेज कितना भी बड़ा हो मगर एम्परर को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा उस टाइम पे। मगर ये एबिलिटी सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही ऑन होती है, तो इस टाइम पे तुम्हें कितना भी बड़ा डैमेज पड़ जाए तुम्हें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उस चीज से। तो इससे इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो तुम्हारा डिफेंस ही इंक्रीज हो रहा है, और डिफेंस किसका वीक है, शैडो बीस्ट का, और एम्परर का अच्छा खासा डिफेंस है। तो तुम्हें ट्राई ये करना चाहिए कि ये दो बैरियर है ये शैडो बीस्ट के लिए यूज होना चाहिए एज कम्पेयर टू एम्परर, क्योंकि एम्परर थोड़ा बहुत डैमेज ले भी लेगा तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मगर शैडो बीस्ट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है एक छोटे मोटे डैमेज से भी। तो तुम्हारी हेल्थ जैसे ये बैरियर के पास आती है तो ट्राई करो कि तुम बीस्ट में कन्वर्ट हो जाओ अगर तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, जिससे इनडायरेक्टली तुम्हारे शैडो बीस्ट का डिफेंस इंक्रीज होगा। अब मूव सेट की बात कर लेते हैं। तो एम्परर सिर्फ क्लोज रेंज के लिए बना हुआ है, मतलब ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज के अंदर अटैक अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज का अटैक ही नहीं है। तो जब भी तुम ह्यूमन फॉर्म में रहोगे तुम्हें क्लोज ही रहना पड़ेगा अपोनेंट के लिए उसे अटैक करने के लिए। और एम्परर की किक को इग्नोर मत करना, एम्परर की किक बहुत ज्यादा यूनिक है बाकी कैरेक्टर्स से, और एम्परर की किक को तुम फाइट के टाइम पे बिल्कुल भी भूलना मत। एम्परर के बेसिक किक बहुत बढ़िया है, उसकी स्पेशल किक बहुत बढ़िया है, उसकी लोअर किक भी बहुत बढ़िया है, उसकी किक्स मतलब अच्छी खासी है, तो तुम्हें किक्स यूज करना है फाइट के बीच में। अगर तुम एम्परर की किक यूज नहीं करते हो तो एम्परर तुम्हें बहुत वीक लगेगा। एम्परर की किक यूज बहुत ज्यादा करना पड़ता है एक राउंड के अंदर, मतलब कभी कभी तो जो तुम मुट्ठी यूज करते हैं ना उससे ज्यादा तुम्हें टांगे यूज करना पड़ता है। तुम एम्परर से जितने भी अटैक कर रहे हो ना उसमें से 30-40% अटैक तुम्हारे किक से आने चाहिए। और एम्परर की स्पेशल किक और उसकी बेसिक किक बहुत बढ़िया है, क्लोज रेंज में तो बहुत ही बढ़िया है ये दो किक्स। मगर तुम जैसे ही शैडो बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होते हो ना, जो तुम्हारा क्लोज रेंज कैरेक्टर था अब वो लॉन्ग रेंज कैरेक्टर या फिर मिड रेंज कैरेक्टर बन चुका है। मगर जहां तुम्हारे एम्परर की ह्यूमन फॉर्म की किक्स बहुत बढ़िया थी, शैडो बीफ की किक बहुत गंदी है, इवन है ही नहीं, मतलब बहुत कम किक्स है इसकी। मगर शैडो बीफ के जो अटैक है वो बहुत हद तक लिंक्स जैसे है, मगर बीफ की हेल्थ कम है मगर उसकी रीजनरेशन बहुत अच्छी है, और एम्परर का रेंज अटैक भी बहुत सही है, तुम में इससे गारंटीड क्रिटिकल अटैक मिलेगा। और इवन अगर अपोनेंट एक छोटे से भी मिस्टेक करता है ना तो तुम्हारा रेंज अटैक उसे लगना ही लगना है वाली बात है। तो तुम अपोनेंट की छोटी छोटी गलतियों को अपने रेंज अटैक से पनिश कर सकते हो। अब एम्परर के थोड़े बहुत कॉम्बोस भी देख लेते हैं। पर कॉम्बोस पे बात करने के पहले, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो तुम वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट दिखा सकते हो, और यूनिटी ने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत हेल्प करी है, तो उसके चैनल का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार तुम जरूर से उसको चेक करना। तो अब हम कॉर्नर कॉम्बो की बात करते हैं, और ये क्लिप यूनिटी ने भेजी है। तो कॉम्बो में क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ग्रैब करना है कॉर्नर के पास, फिर तुम्हें कैंसिल करना है स्पिनिंग अटैक को, रेंज अटैक, फिर जंप किक, और फिर तुम्हें एक साइड मारनी है। एक और बार देख लेते हैं, तो मैं भी इसको ट्राई करता हूँ जाके। सबसे पहले ग्रैब करना है, फिर स्पिनिंग कैंसिल करके रेंज अटैक मारना है, फिर जंप किक, और फिर तुम्हें पीछे वाली साइड मारनी है। चलो याद हो गया मुझे। तो चलो अब मैं भी ट्रेनिंग में आके इस कॉम्बो को ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ग्रैब करना है कॉर्नर के पास। तो ये ग्रैब किया, अब स्पिनिंग कैंसिल करके रेंज अटैक, स्पिनिंग कैंसिल, रेंज अटैक, जंप किक और साइड, जंप किक और ये साइड, और ये कॉर्नर कॉम्बो मुझे समझ आ गया है। थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस लगेगी तो मैं इसे रैंक में भी यूज करना चालू कर दूंगा। और अगर तुम्हारा अपोनेंट जंपिंग झपाक थम्पक थम्पक कर रहा है तो उसको भी तुम पनिश कर सकते हो इस तरह से। अगर अपोनेंट जंप कर रहा है तो तुम बेसिक कैंसिल करके अपर मार सकते हो, और उसके बाद तुम शैडो मार सकते हो। इसने शैडो इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसका शैडो बार फुल नहीं है। तो इसको मैं भी ट्राई करता हूँ बेसिक कैंसिल करके अप, अब यहाँ पे शैडो। ये तो चलो बहुत ही ईजी है। अब रैंक की भी एक क्लिप देख सकते हैं, मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, वो जंप करके आया तो मैंने बेसिक कैंसिल किया, अपर अटैक और शैडो, इजी है ये तो।
अब सेम चीज़ का कॉर्नर में भी एक कॉम्बो है, मगर ये गारंटीड नहीं है। तो अगर तुम कॉर्नर के पास हो तो वही बेसिक कैंसिल करना है, फिर एक और बेसिक मारना है, रेंज अटैक मार के तुम्हें अपर वाला अटैक मारना है और शैडो मार देनी है, मगर ये वाला कॉम्बो गारंटीड नहीं है। और वैसे भी तुम्हारा जैसे जैसे लेवल ऊपर बढ़ते जाएगा तुम्हारे अपोनेंट जंप करना बंद कर देते हैं। तो अगर तुम्हारा लेवल कम है तो तुम्हारे अपोनेंट ज़्यादा जंप करते हैं, मगर तुम्हारा लेवल ज़्यादा है तो तुम्हारे अपोनेंट बहुत कम जंप करते हैं। मगर तुम्हें फिर भी पता होना चाहिए कि अगर वो जंप कर रहा था तो तुम उसे कैसे पनिश कर सकते हो। अब ये एंटी एयर को पनिश करने के लिए एक और कॉम्बो है, तुम ये देख सकते हो, मगर इस कॉम्बो में तुम्हें क्रिटिकल भी चाहिए रहेगा। तो शुरू से देखते हैं, ठीक है, अपोनेंट जंप कर रहा है तो हमने अपर अटैक मारा, फिर हमने किक मारी तो क्रिटिकल पड़ा, फिर बेसिक कैंसिल करके अपर वाली शैडो मार दी। तो अगर तुम्हें किस्मत से क्रिटिकल मिलता है तो तुम याला कॉम्बो भी यूज कर सकते हो अपोनेंट के एक जंप को पनिश करने के लिए। अब बहुत बार क्या होता है, तुम्हारा अपोनेंट जंप करने का ट्राई करता है जब भी तुम ऐसे किक मारते हो उसको, क्योंकि उसको लगता है कि तुम फॉरवर्ड वाली शैडो मारने वाले हो यहाँ पे। तो अगर तुम्हारा अपोनेंट जंप करने का ट्राई कर रहा है तो तुम यहाँ पे अपर वाली शैडो मार सकते हो, तो वो कनेक्ट हो जाएगी इसको। तो अब शैडो बीफ के थोड़े बहुत मूव सेट की बात कर लेते हैं। तो क्लोज रेंज के अंदर बीफ का अपर अटैक फास्ट है, जिससे तुम काफी सारे अपोनेंट के अटैक को काउंटर कर सकते हो। और वहीं मिड रेंज के अंदर जो स्पिनिंग अटैक और स्पेशल अटैक है वो बहुत अच्छे हैं। अब यूनिटी का एक कॉम्बो भी है जिसमें वो बेसिक कैंसिल करके रेंज अटैक मारता है और फिर शैडो मार देता है। अब तुम बोलोगे बेसिक कैंसिल करने की क्या जरूरत है, उससे अपोनेंट को लगेगा ये बेसिक पूरा मारने वाला है, मगर तुमने बेसिक कैंसिल कर दिया तो वो चकरा जाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो रेंज अटैक खा सकता है तुम्हारा। और एम्परर के रेंज अटैक की खासियत ही ये है कि अपोनेंट एक भी छोटे से मिस्टेक करता है ना, या फिर चकरा जाता है, तो वो फिर डॉज नहीं कर पाएगा तुम्हारा रेंज अटैक। और एम्परर एक ऐसा हीरो है जो एक मिनिमम डैमेज गेम में करता ही करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि तुम एम्परर से खेल रहे हो और तुम अपोनेंट को थोड़ा भी डैमेज ना दे पाओ। तो आई होप कि ये वीडियो तुम्हें एम्परर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो हेल्प करती है तो प्लीज़ इस वीडियो पर थोड़ा सपोर्ट दिखाना। यूनिटी के चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी एक बार जरूर से चेक करना। देखो सब मिलके आगे जाएंगे तो बहुत आगे तक जा पाएंगे हम लोग। तो अगला कौन से हीरो पे वीडियो बनानी है तुम वो भी कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो, और वो हीरो सीखना किससे है तुम वो भी बता सकते हो।